महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा में कोई भी कप्तान नहीं है। भारी रहा मुंबई इंडियंस का पलड़ा। हालिया रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत के 23 दिन और 28 मैच बाद बारी आई है इस लीग के सबसे बड़े और रोमांचक एल क्लासिको मुकाबले की। आज जब इस लीग की दो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने होगी तो रोमांच अपने चरम पर होगा। लगभग हमेशा ही धीमी शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन भी हार की हैट्रिक लगाने के बाद अपनी लय पकड़ ली है और उसने लगातार दो जीत दर्ज की है। ये दोनों जीत उसे अपने मैदान पर मिली है। एक बार फिर घरेलू दर्शकों के बीच वह शानदार प्रदर्शन के बूते जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर 5 में से 3 मैच जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिलहाल शीर्ष की 3 टीमों में शामिल है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले कुछ मैचों से उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है और उसे बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। 5-5 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी टूर्नामेंट की दो सबसे कामयाब टीमों के कप्तान इस बार बदल गए हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की कमान महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। इसके बावजूद दोनों टीमों की मैदानी प्रतिद्वंद्विता जस की तस रहने की उम्मीद है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 200 के करीब का लक्ष्य हासिल करने वाली मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को रोकना चेन्नई के गेंदबाजों के लिए कठिन चुनौती होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने चेपक की धीमी पिच पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सपाट और बल्लेबाजों की मददगार पिचों पर अभी तक उनकी परीक्षा हुई नहीं है। ईशान किशन और रोहित शर्मा की शुरुआती साझेदारी मुंबई इंडियंस के लिए अहम रहेगी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को कप्तान गायकवाड़ रचिन रविंदर, डेरिल मिचेल और शिवम दुबे, रविंदर जडेजा और धोनी से अच्छी पारियों की उम्मीद होगी। उन्हें जसप्रीत बुमराह से भी बचकर रहना होगा। चेन्नई की गेंदबाजी की कमान मुस्तफिजुर रहमान, जडेजा, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे के हाथों में होगी। अगर बात करें आमने सामने की तो कुल 36 मैच हुए हैं, जिनमें से चेन्नई 16 मैच जीती है तो मुंबई इंडियंस 20 मैच। 3 पिछली टक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया है। मिस्टर 360 कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव की वापसी के बाद से टीम में नई ऊर्जा दिख रही है और उसने लगातार 2 मैच जीते भी है। सूर्य कुमार यादव ने आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 19 गेंद में ही 52 रन ठोक दिए थे, अपना अंदाज दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। शिवम दुबे जो चेन्नई सुपर किंग्स के है, अपने दमदार छक्कों से भी सबका ध्यान खींचने वाले शिवम दुबे मुंबई के ही खिलाड़ी है और वानखेड़े के मैदान से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। मिडल ओवर्स में इस बाएं हाथ के बैटर को रोकना मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी चुनौती होगी। आइए अब जानते कि आखिरकार इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचिन रविंदर, डेरिल मिचेल, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, रविंदर जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और महेश तीक्ष्णा और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर समीर रिजवी रह सकते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो ईशान किशन विकेटकीपर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान है। टीम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो सेफर्ड, जेराल्ड कोटजी, सुरेश गोपाल, जसप्रीत बुमराह संभावित इंपैक्ट प्लेयर आकाश मधवाल होने वाले हैं। अगर पिच व मौसम की बात करें तो वानखेड़े की छोटी बाउंड्री और बैटिंग पिच पर एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और अब एक बार फिर टॉस जीतने वाली टीम बॉलिंग का ही फैसला कर सकती है। शाम का तापमान 28 डिग्री के करीब रहेगा और बारिश की कोई आशंका नहीं है। अब देखना होगा कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस इस बार मैदान पर भिड़ेंगी तो कैसा माहौल बनता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।